आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर चंद घंटों का फासला रह गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कल होने वाले 8 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना को लेकर मतगणना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया है। मतगणना में तैनात होने वाले गणना पर्यवेक्षक तथा गणना सहायकों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण आज विधि महाविद्यालय में दिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा शासकीय विधि महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में 2 घंटे तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनवाने ने मतदान दल के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान एक बार फिर नियमों से अवगत कराया। प्रशिक्षण को लेकर डॉक्टर सोनवाने ने बताया कि मतगणना से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुबह 6 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। इसके बाद मतगणना के अंतिम चरण तक वह इंजीनियरिंग कॉलेज में ही रहेंगे। इस दौरान मतगणना से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं परिसर के अंदर ही की गई हैं। 3 दिसंबर को हमारे जिले में या पूरे प्रदेश में भी काउंटिंग होने जा रही है, तो ये सभी जो काउंटिंग दल है हमारी, इनकी विधानसभा वार आज प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कुल 8 विधानसभाओं के जितने भी दल हमारे हैं, हर विधानसभा के जितने टेबल्स लगेंगे, वो जितने दल है और रिजर्व है, उनकी आज सबकी ट्रेनिंग हो रही है। 8 विधानसभाओं के दलों की EVM की अलग हो रही है और पोस्टल बैलेट्स वाले जो हमारे दल हैं उनकी भी ट्रेनिंग आज ही हम सेकंड ट्रेनिंग करा रहे हैं। सभी लोगों को जो काउंटिंग के हैं उनको उनके ID कार्ड दिए गए हैं, उनके ड्यूटी ऑर्डर्स उनको मिल गए हैं, उनको पता है कि कहाँ से उनको एंट्री करनी है, कितने बजे तक उनको सेटल होना है, कितने बजे स्ट्रॉन्ग रूम ओपन होगी या कैसे मूवमेंट रहेगी, इसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को काउंटिंग या जो प्रत्याशी है उनके एजेंट्स हैं उनको दे दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के भी आज कॉमन एक भ्रमण सभी लोगों ने किया हुआ है कि सुरक्षा के कौन से पॉइंट रहेंगे, कहाँ से एंट्री रहेगी, क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से भी दी गई है और बाकी जो हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनको भी ये सूचना दी गई। छः बजे एंट्री है उनकी, 6 बजे उनकी फ्रिस्किंग होके उनको आज अंदर एंट्री दी जाएगी और सभी ऑर्डर्स वगैरह उनको वहीं पर मुहैया कराए जाएंगे। कितने बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब? वो तो अभी स्पीड पे डिपेंड है, वो अभी बताना मुश्किल है क्योंकि ये बड़ा इंट्रिकेट प्रोसेस रहता है, तो वो कल डिसाइड होगा।